दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत एक बार फिर से होने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और जिसमें सभी लोग निराश भी हुए थे। अब इस निराशा को दूर किया जा सकता है और ये तभी होगा जब टीम इंडिया, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत की T20 पाँच मैचों की जो सीरीज है वो शुरू होने जा रही है, उसमें टीम इंडिया को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये सीरीज तुरंत चालू हो रही है। T20 सीरीज के पाँच मैच खेले जाने हैं। पहला मैच से ही टीम इंडिया को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। स्टेडियम भी बिल्कुल तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाना है और दूसरा मैच 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में रविवार को होगा और तीसरा मैच 28 नवंबर को मंगलवार को गुवाहाटी में खेला जाना है और चौथा मैच 1 दिसंबर को नागपुर में खेला जाना है और सीरीज़ का पाँचवा अंतिम मैच 3 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। पांच मैचों की T20 सीरीज के सभी मुकाबले की जो टाइमिंग है वो एक समान है। सभी मैच भारतीय समय अनुसार के साथ, जैसे 7 बजे शुरू होते हैं शाम को, वैसे ही शुरू होंगे और जो टॉस है वो 6:30 बजे ही होगा। इस समय सभी की उम्मीद है कि टीम इंडिया इन पांच मैचों की T20 सीरीज है उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी और इस सीरीज के बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट जाएगी। T20 वर्ल्ड कप अगले साल वेस्ट इंडीज़ और USA में होने वाला है, तो सभी क्रिकेट फैंस एक बार फिर से तैयार हो जाइए मैच देखने के लिए, क्योंकि पहला मैच 23 नवंबर को होगा। T20 का पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जाना है और आप लोग निराशा को दूर करिए और मैच देखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।